और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। लोकसभा में गुरुवार को केंद्र सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस पर चर्चा के दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बिल का विरोध किया। अखिलेश ने इशारों में अयोध्या के विवादित बाबरी केस का मुद्दा भी उठा दिया। उन्होंने कहा, यह बिल बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लाया जा रहा है। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें तो देखेंगे कि यूपी के एक जिलाधिकारी को इतना अधिकार दे दिया गया था जिसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को भी भुगतना पड़ा। मैं सदन में उन जिलाधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। सुनिए अखिलेश ने क्या कुछ कहा। अगर आप जिलाधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश निराश आप तो इस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं, और मैंने अध्यक्ष महोदय सुना है इस लॉबी में कि कुछ अधिकार आपके भी छीने जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों को लड़ना पड़ेगा आपके लिए। बता दें कि अखिलेश यादव ने भले ही संसद में उस अधिकारी का नाम ना लिया हो, पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि उन्होंने अयोध्या के बाबरी मुद्दे की चर्चा की। 1949 में फैजाबाद जो अब अयोध्या हो गया है, उसके डीएम रहे के नायर के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित स्थल पर रखी रामलला की मूर्तियां हटाने में असमर्थता जाहिर की थी। ऐसा उन्होंने एक बार नहीं बल्कि दो दो बार किया। नेहरू ने तब के यूपी के सीएम रहे गोविंद वल्लभ पंत को मूर्तियां हटवाने का निर्देश दिया था। इस पर यूपी सरकार ने फैजाबाद डीएम को आदेश दिया, पर के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से आदेश पूरा करने में असमर्थता जताई। के नायर ने यूपी सरकार को पत्र में लिखा कि विवादित स्थल से रामलला की मूर्ति हटाने से पहले उनको हटा दिया जाए। हालांकि देश के सांप्रदायिक माहौल को देखते हुए सरकार पीछे हट गई। विवादित स्थल से रामलला की मूर्तियां न हटाने जाने पर मुस्लिम समाज ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। दोनों पक्षों ने इसको लेकर अदालत में मुकदमा दायर किया। इसके बाद यूपी सरकार ने इस स्थल को विवादित घोषित करके ताला लगा दिया था। 1952 में आईएएस के नायर ने स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद वो बहराइच लोकसभा से चुनाव लड़े और जीत कर संसद भी पहुंचे। उनकी पत्नी शकुंतला नायर भी कैसरगंज से चुनाव लड़ी और जीत गई। पति और पत्नी दोनों ने जनसंघ के टिकट पर चुनाव लड़ा था। शकुंतला नायर तो 3 बार लोकसभा चुनाव जीती थी। उनका बेटा भी यूपी विधानसभा परिषद का सदस्य बनने में कामयाब रहा था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।